पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज में शामिल रेस्क्यू 1122 की 17 गाड़ियों और 41 मुलाजमीन इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस की तहवील में हैं। 16 गाड़ियों और 38 अहलकारों पर I-9 पुलिस स्टेशन इस्लामाबाद में FIR दर्ज की गई है। खैर पख्तूनख्वा पुलिस के 11 अहलकार भी इस्लामाबाद पुलिस की तहवील में हैं। आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज में शामिल रेस्क्यू 1122 की 17 गाड़ियों और 41 मुलाजमीन इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस की तहवील में हैं, जबकि 16 गाड़ियों और 38 अहलकारों पर I-9 पुलिस स्टेशन इस्लामाबाद में FIR दर्ज की गई है। खैर पख्तूनख्वा पुलिस के 11 अहलकार भी इस्लामाबाद पुलिस की तहवील में हैं। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GNN उस्मान भट्ट से। उस्मान बताइए इस मुतालिक। हाँ जी बिल्कुल, मजमू तौर के ऊपर जो हमारे ग्राइन का कहना है कि 700 कारकुनान जो है उनको गिरफ्तार किया गया है, जिनमें चंद खवातीन भी शामिल हैं। और गुज़िश्ता रोज थाना सेक्रेटेरिएट, थाना कोसार, थाना पारा और थाना वुमेन के जो हवालात हैं उनमें गुंजाइश जो है वो कैदी रखने की खत्म हो गई थी। और इसके साथ साथ जो आंसू गैस के शेल हैं वो 10,000 से जायद शेल भी जो हैं वो इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से जो है फायर किए गए हैं। और जो सरकारी मुलाजमीन जो है वो आए थे और जो मुबैना तौर के ऊपर मुलवस थे इस एहतजाज के अंदर, उनको भी हिरासत में ले लिया गया है। जी जी ठीक है उस्मान भट्ट, आपका शुक्रिया आपने कहा।